क्या बात है। आप लोगों की एनर्जी देखकर मुझे कोई ग्राउंड रूल्स आज देने की जरूरत नहीं लग रही कि भी मुझे यस में रिप्लाई करना या हाथ ऊपर करना, क्योंकि वत साहब ने मेरा नाम यूज करके प्लान करा दिया सबको। एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, आज आपके बीच में 5 पॉइंट्स में लेकर आया हूं। मैंने पिछले 27 सालों का जो एक्सपीरियंस स्टेज के ऊपर काम करने का रहा है, 27 लाख से ज्यादा लोग मेरे लाइव सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में आ चुके हैं, और ये 5 पॉइंट उन सभी की जिंदगियों को जिसको ट्रांसफॉर्मेशन मिले हैं, जिन्होंने सफलता पाई है, जिन्होंने ज्यादा पैसा कमाया है, उन सभी ने अपनी जिंदगी के लिए फॉलो करे हैं जो आपके साथ मैं शेयर करने के लिए जा रहा हूं। मगर आगे बढ़ने से पहले आपको एक काम करना है, आपके लेफ्ट और राइट में जो लोग बैठे हुए हैं दोनों साइड पर, आपको एक एक हाई फाइव उनसे देना है और उनसे कहना है सीखने के लिए तैयार हो जाओ। सीखने के लिए तैयार हो जाओ। जो सबसे पहला पॉइंट यहां पर मैं शुरू करना चाहूंगा उसे मैं कहता हूं वन थिंग। दोस्तों, एक सवाल है, सचिन तेंदुलकर को किस काम के लिए आप जानते हैं? मुझे बताइए, सदगुरु जी को किस काम के लिए आप जानते हैं? आध्यात्मिक। जबकि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, वो बहुत अच्छे कुक है, शेफ है, मगर उस टैलेंट के लिए आप उन्हें नहीं जानते, आप स्पिरिचुअलिटी के लिए उन्हें जानते हैं। मुझे बताइए, मोदी जी को किस काम के लिए जानते हैं? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के लिए। दोस्तों, जितने भी सफल से सफल लोग हुए हैं उन्होंने अपनी जिंदगी में कोई एक चीज का चुनाव किया है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक छोटी सी कहानी, एक खेत में एक इंसान जो काफी बूढ़े हो चुके थे, अपना सारा कामकाज उसने अपने बच्चे को सौंप दिया, कहा बेटा अब तू खेत संभाल ले। वहां पर दोस्तों पानी की बहुत दिक्कत थी, तो उस बच्चे ने पहले कुआं खोदना शुरू किया। कुछ नीर गहराई में जाने के बाद पानी नहीं मिला। उसने सोचा कि मैं गलत जगह पे खोद रहा हूं, कहीं और जाकर के वापस उसने कुआं खोदा, सोचा यहां पानी मिल जाएगा, वहां पर नहीं मिला, कहीं और जाके तीसरी जगह पर खोदा। उनका खेत काफी बड़ा था, तीसरी जगह पर भी पानी नहीं मिला। वो अपने पिताजी के पास वापस जाते हैं पूछते हुए कि क्या पिताजी मुझे आप इस प्रॉब्लम का सलूशन दे सकते हैं, मैंने 3 अलग अलग जगह पर कुएं खोदे, पानी नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिलेगा तो कोई काम मेरा नहीं होने वाला। और तब उसके पिताजी ने समझ दी, बेटा तूने 3 जगह पर जितना 50 फुट या 100 फुट का कुआं खोदा, अगर तीनों को मिला करके कोई एक ही जगह पर खोद लिया होता तो तुझे वहां पर पानी मिल जाता। मतलब ये है दोस्तों कि हम सभी की दिक्कत कभी कभार ये हो जाती है कि एक सुबह हम ABC कंपनी के साथ है, दूसरी सुबह हम DEF कंपनी के साथ है, तीसरी सुबह हम XYZ के साथ है। होता है नहीं होता है? होता है। अगर हर सुबह, हर महीने, हर साल हम अपनी प्रोडक्ट्स बदलते रहेंगे और अपनी कंपनियों को बदलते रहेंगे, अपने करियर को बदलते रहेंगे, तो कहीं पर भी हमें सफलता नहीं मिलने वाली है। और इसलिए मैं कहना यह चाह रहा हूं कि बचपन में हमने सीखा था कि सूरज की रोशनी को जब एक मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने रखा जाए और वहां पर एक पेपर रख दिया जाए, तो उसके पास इतना पावर है कि एक जगह पर उस रोशनी को फोकस कर दे तो वो उस पेपर को तक जला सकती है। और इसे मैं कहता हूं नैरो डाउन योर फोकस, यानी कि आज हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां पर कमाने के लिए इतने सारे रास्ते, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है। कितने लोग मानते हैं कि हफ्ते भर में 1 से 2 अलग अलग प्रकार के बिजनेस और कमाने की अपॉर्चुनिटी अपने सामने आ रही है, राइट? और इसलिए समझना जरूरी है दोस्तों दैट यू हैव टू नैरो डाउन योर फोकस। कोई एक चीज को अपनी पहचान बना लीजिए। मैं आज 12 अलग अलग बिजनेसेस में काम कर रहा हूं, लेकिन दोस्तों लोग मुझे मेरे दूसरे तीसरे बिजनेस के लिए नहीं जानते हैं, लोग मुझे कोचिंग फील्ड के लिए जानते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो जब मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस लूंगा तो वो मैं स्टेज पर लेना चाहूंगा। मुझे माइक दे दो, मुझे ऑडियंस दे दो, और यहीं पर मैं अपनी आखिरी सांस लेना चाहूंगा, बिकॉज दिस इज माय वन थिंग। थैंक यू। पॉइंट ये है कि आप अपना वन थिंग डिफाइन कर लो, अपना एक प्रोडक्ट, एक कंपनी की जिसके साथ आप पूरी जिंदगी बिताना चाहेंगे। हमारा प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि हम जो भी चीज के साथ जुड़ते हैं बस वो आधा अधूरा कुआ खोदा, अभी कहीं और खोदने जा रहे हैं, फिर किसी और के साथ खोदने के लिए, इट्स नॉट गोना वर्क। बिकॉज कोई भी बिजनेस और करियर के अंदर पहले 80% टाइम में आप 20% पैसा बनाते हैं और बाद के 20% टाइम में आप बाकी बचा 80% पैसा बनाते हैं। और इसलिए कोई एक चीज का चुनाव करना जरूरी है। आज वत साहब ने अगर इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है फ्रेंड्स मीट, जो आज दूसरे तीसरे साल में हो रहा है, तो ये तभी संभव है जब उन्होंने एक चीज का चुनाव किया है। कितने लोग उनके पॉडकास्ट, उनके वीडियोस से प्रभावित होकर के उनको बरसों से फॉलो कर रहे हैं, जान रहे हैं, राइट?
क्योंकि उन्होंने वो एक चीज का चुनाव किया हुआ है। आपको भी अपने एक चीज का चुनाव करना है। एक बार जब आप वो कर ले तब दूसरी चीज आती है कि उसमें बड़ा सोचना शुरू कर लीजिए। बड़ी सोच मतलब क्या दोस्तों? वैसे आप सब जानते हैं मगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं। गिनीस नाम की एक कंपनी, इस इंसान ने जहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाला अपनी प्रोडक्ट्स के लिए, आपको हैरानी होगी कि वहां पर उस इंसान ने 9000 साल का लीज साइन किया। मतलब ये हुआ कि भी आने वाली पीढ़ियों तक, बोले मेरे बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे वही काम करेंगे, वही पर काम करेंगे। 9000 साल का रेंटल अग्रीमेंट कि मेरा बिजनेस यहीं पर ऑपरेट करेगा। उन्होंने इतना लंबा सोच लिया अपने बिजनेस को लेकर के। इसका दूसरा एग्जांपल, कितने लोगों ने हैरी पॉटर का नाम सुना है या फिल्में के बारे में सुना हुआ है? हैरी पॉटर बनाने वाले जेके रॉलिंग, शी वॉज अनसक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल ऑथर। यू नो उनके पास दोस्तों कोई आगे सक्सेस नहीं थी। वो किताब लिखते थे, फेल होते थे। जब हैरी पॉटर का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में पहली बार आया, हैरानी वाली बात तो देखिए दोस्तों कि जब पहला चैप्टर नहीं लिखा था, अभी तक आगे की सारी किताबें फेल हो चुकी है, उसके बावजूद उन्होंने पहला चैप्टर नहीं लिखा था, लेकिन तब 7 किताबें लिखने का इरादा वो बना चुके थे कि हैरी पॉटर की कहानी 7 किताबों में जाएगी। और आज आप देखिए कि वो कितने सक्सेसफुल ऑथर या फिर उनकी किताबों के माध्यम से कितने सक्सेसफुल मूवीज बन चुके हैं। पॉइंट ये है कि छोटा सोचना दोस्तों ये एक बीमारी है। मैं वापस कह दूं, छोटा सोचना एक बीमारी है। अपने बाजू वाले को हाई फाई देके बता दो, छोटी सोच एक बीमारी है। ये बीमारी हमें कहीं नहीं निकल जा सकती। और मैं आपको बता दूं, इसका वैक्सीन बाहर से नहीं मिलने वाला है। ये हमी को अपने आप को समझाने की जरूरत है कि दोस्तों हम छोटे हैं इसलिए छोटा नहीं सोचते हैं। कभी कभार हम बड़े बन नहीं पाते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि छोटी सोच बरसों से हमारे खानदान में आई हुई है। 1947 में हम लोग आजाद हुए थे और तब भारत एक गरीब देश के रूप में आगे बढ़ा क्योंकि ब्रिटिश यहां से बहुत कुछ लेकर गए। उससे पहले हम अपने आप को दोस्तों, चाहे संस्कारों की बात करें, नॉलेज की बात करें, हर रूप से समृद्ध देश हुआ करते थे। लेकिन जब ब्रिटिश बहुत कुछ लूट करके गए तो कहीं ना कहीं उन्होंने हमारी सोच को, हमारे कॉन्फिडेंस को भी लूटा था। और मैं आपको आज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हमारा नर्चरिंग जिस माहौल में होता है, जब आपके दादाजी अगर वो गरीबी का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जब हमारे पिताजी वो गरीबी का एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो वो गरीबी हमारे अंदर भी आ जाती है, नर्चरिंग में आ जाता है। और इसलिए सोच को बदलना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। मेरी 17 साल की उम्र थी। 17 साल की उम्र पे किराए का मकान था, पिताजी के ऊपर 22 लाख रुपए का कर्जा। उस जमाने का 22 लाख आज के मुताबिक 60-70 लाख के बराबर हो सकता है। और तब जब मेरी पढ़ाई अब कॉलेज जाकर हो नहीं पा रही क्योंकि पैसा नहीं है, तब मैंने 101 गोल्स का लिस्ट बनाया कि मैं अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहता हूं, कहां पर पहुंचना चाहता हूं, मेरा उद्देश्य क्या है। और ये जो 101 गोल्स मैंने 4 दिन अकेले बैठकर लिखे। कितने दिन, कितने गोल्स? यहां पर एनर्जी ज्यादा है, इस साइड थोड़ी कम नजर आ रही है। थैंक यू सो मच दोस्तों। 101 गोल्स मैंने लिखे और वो 4 दिन बैठ करके जब वो गोल्स लिखे, सब बताऊं, गोल्स लिख तो डाले लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया कि इतने बड़े बड़े गोल मैंने लिखे हैं कि ये इस जन्म में भी पूरे नहीं हो पाएंगे। और हुआ कुछ ऐसा दोस्तों, मैंने छोटी से सिस्टम को फॉलो किया और जब तक मैं 26 साल का हुआ, 10 साल के अंदर, 17 से 26, 10 साल के अंदर वो 101 में से मैं अपनी जिंदगी के 99 गोल्स पूरे कर चुका था। उस 99 गोल्स में 19 साल की उम्र पे खुद का घर बनाया, 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी, 21 साल की उम्र पे दूसरी मर्सिडीज खरीदी, 23 साल की उम्र तक 6 बिजनेसेस को डेवलप किया। और अभी जिस घर में मैं रहता हूं दोस्तों, 10 साल पहले वो घर बनाया क्योंकि सपना था कि मेरे माता पिता ने मुझे 10 रूम के घर में बड़ा किया है, इन रिटर्न उनको मुझे वो दूसरा 10 रूम का घर बनाकर देना है। और आज जिस घर में हम रहते हैं वो 60,000 स्क्वायर फीट का घर है, पर्सनल क्रिकेट ग्राउंड, स्विमिंग पूल, होम थिएटर, जूम के स्टूडियो, जिम, ये सारी सुविधाएं वहां पर अवेलेबल है। लेकिन कितने लोग जानने में ये इंटरेस्टेड है? मेरी सफलता मैटर नहीं करती, लेकिन कितने लोग जानने में ये इंटरेस्टेड है कि 10 साल में इतने बड़े बड़े गोल कैसे अचीव किए? कितने लोग जानना चाहेंगे? ऑलराइट दोस्तों, अगर जानना चाहते हो आपके बाजू में जो बैठा है उसे हाई फाई देके कह दो, फोकस, फोकस फ्रेंड्स। एक ही सीख
सीक्रेट है जो आपके साथ में शेयर करने के लिए जा रहा हूं। ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोग जानते तो है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो करते नहीं। अगर लक्ष्य यानी कि गोल डिसाइड कर लिया तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसे अपने माइंड में रखते हैं, उसे लिखते नहीं है। और कुछ लोग लिख देते हैं तो लिख करके अंदर छुपा कर रख देते हैं कहीं अलमारी में कि किसी की नजर ना लग जाए। और यारो होता कुछ ऐसा है कि इस सिलसिले में हम भी गजनी बन जाते हैं। कितने लोगों के साथ हो चुका है, हाथ ऊपर करना मुश्किल है, लेकिन मम्मी कसम सच बताना। दोस्तों पॉइंट बहुत सिंपल है, मैंने अपने गोल्स को लिखा, लिख करके अपने सामने लगा कर रखा, सुबह उठ करके हर दिन अपने गोल्स पढ़ता था, दोपहर में एक बार पढ़ता था, रात को सोने जाने से पहले पढ़ता था। और जब आप 3 बार अपने गोल्स पढ़ते हैं, उसको जब आप उसे सामने रखते हैं तो ना चाहते हुए भी आपका फोकस आपके गोल्स के ऊपर जाता है। और जहां पर आपका फोकस जाता है वहीं पर आपकी एनर्जी जाती है, और जहां पर आपकी एनर्जी जाती है वहीं पर आपकी जिंदगी जाने वाली है। कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब आपने डिसाइड किया कि होंडा सिटी गाड़ी खरीदना है तो सड़क के ऊपर हर जगह होंडा सिटी दिखता है। कितने लोगों ने डिसाइड किया बीएमडब्ल्यू खरीदना है तो सड़क पर बीएमडब्ल्यू दिखना शुरू हो गया। उसके पहले बीएमडब्ल्यू नहीं था क्या? हाँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है क्योंकि डिसाइड नहीं किया इसलिए दिखता नहीं था। बस एग्जैक्टली वैसे जब आप डिसाइड कर लेंगे कि मेरा गोल है कि मुझे 10 करोड़ कमाने, मेरा गोल है कि मुझे 100 करोड़ का आंकड़ा हिट करना है, उसके बाद बाहर की दुनिया में उसके रास्ते और अपॉर्चुनिटी भी दिखना शुरू हो जाती है। यू गाइस हैव टू डिसाइड योर गोल्स, लिख करके सामने रखना। मेरी जिंदगी में वही हुआ, एक किराए के मकान से शुरू किया था अपना करियर। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 1996 में स्टेज पर पहली बार आया था 9 साल की उम्र में, और प्रोफेशनली मैंने डिसाइड किया 2003 में कि जब मैं एक कोच बनूंगा। 2003 में ना दोस्तों यूट्यूब हुआ करता था, इंटरनेट कॉमन नहीं था, मोटिवेशनल करियर या स्पीकर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। और तब मैंने लिस्ट में डाल दिया था ये सारे नाम कि जिनको मैं टीवी पर देखता था, फिल्मों में देखता था कि यार इनको कभी मैं मिलूंगा, ये मेरे कभी सेमिनार्स में आएंगे, ये मुझे अटेंड करेंगे, कोई मेरी बुक के इनॉग्रेशंस में आएंगे। और वक्त के साथ वो सारी चीजें होती गई, बिकॉज मैं ये मानता हूं कि जब आप लिखते हैं तो वो सिर्फ यहां पर नहीं लिखा जा रहा, वो कहीं और भी लिखा जा रहा है। और इसलिए दोस्तों मैं कहना चाह रहा हूं कि लिखने में बड़ी शक्ति है, ताकत है। लिखिए आप क्या चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं। लिखोगे, उसे सामने रखोगे और हर दिन पढ़ोगे, रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे अपनी जिंदगी में, जो चाहे वो। जब शार्क टैंक शो शुरू हुआ था दोस्तों, तब किसी ने मुझसे कहा कि सर आपके पास इतने बिजनेसेस हैं, आप उसमें जाके अपना बिजनेस पिच क्यों नहीं करते। मैंने ऐसी दोस्ती यारी में मजाक में किसी से बोल दिया कि यार मैं शार्क टैंक में क्यों जाऊं, वो लोग मेरे वहां आएंगे। हुआ क्यों? बिकॉज जब आप लिखते हैं हर सेकंड दोस्तों वहां से तथास्तु हो रहा है। तथास्तु किस चीज पे कराना है, वो हमेशा आपका चुनाव रहेगा। लेकिन बड़ी सोच कहां रोकती है हमें, क्यों बड़ा सोच नहीं पाते दोस्तों? बड़ा सोच नहीं पाते क्योंकि हम लोग बचपन से ही प्रोग्राम्ड है भाई थोड़े में संतुष्ट रहने का। अब ये थोड़े में संतुष्ट रहने वाले लोगों से कहना चाहूंगा कि जब आपके आसपास आपके दोस्त यार लेवल 2 पे है पैसों के और सफलता के लेवल 2 पे, और जब आप लेवल 5 पे आ जाते हैं तो आपको लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा कमा लिया, और हम अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, कंफर्ट जोन में चले जाते हैं ये सोचकर कि मैं अमीर बन गया, मैं सफल हो गया, ये ईगो अपने अंदर आ जाता है। लेकिन दोस्तों अपने आजू बाजू क्योंकि सारे लेवल 2 पे थे और हम लेवल 5 पे आ गए, इसलिए हमें लगा कि हम सफल हो गए और इसलिए हम संतुष्ट हो गए। बट क्या पता हमारा जन्म लेवल 5 के लिए नहीं, लेवल 500 के लिए हुआ था। और वहां पर तभी पहुंचा जा सकता है जब उसके लिए आप बड़ा सोचना शुरू करेंगे। और इसलिए अपने पास्ट के फेलियर्स, रिजेक्शन, लॉस का जो डर है उससे ऊपर उठना जरूरी है, पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस से ऊपर उठना जरूरी है। आपके पास हमेशा दो ही ऑप्शन है, या तो आप फ्रीडम का चुनाव करें या तो आप पूरी जिंदगी डर में रहे। कितने लोग अपनी जिंदगी के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना चाहते हैं? अपने आसपास जो बैठे हैं उन्हें आईफाई देके बता दो, आई क्रिएट फाइनेंशियल फ्रीडम फॉर माय फैमिली। जब आप अपने परिवार के लिए और अपने आप के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करना चाहते हैं दोस्तों, तो डर में जी करके ये नहीं हो सकता है। इसीलिए एक बहुत ही अमेजिंग किताब है, आप सभी जानते होंगे, उस किताब के अंदर लिखा हुआ है डू व्हाट यू फियर द मोस्ट। जो चीज का डर लगता है उसी को सबसे पहले करो।
दोस्तों लोग मेरे पास है ना 2007 से कोई ऊंचाई का डर लेकर आता, कोई स्टेज का डर लेकर आता, कोई पानी का डर लेकर आता, दुनिया भर के डर लोगों के अंदर रहते हैं। डर ही है जो हमें आगे बढ़ने से, एक्शन लेने से रोकते हैं। और तब मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि मैं ट्रेन करना चाहता हूं कि दुनिया का सबसे मुश्किल वाला डर किस चीज का है। और मैंने अपने आपको ट्रेन के एक छोटे से काम के लिए छोटा सा वीडियो दिखाता हूं यहां पर दोस्तों। इसको स्काई डाइविंग कहते हैं। बहुत आसान सा काम है। एक प्लेन होता है 14,000-15,000 फीट की ऊंचाई पर आप होते हैं और चलते हुए प्लेन से आप एक पैराशूट लेकर कूद जाते हैं। इसे स्काई डाइविंग जो कहा जा रहा है दोस्तों। 200 किलोमीटर की स्पीड पर मैं जमीन की ओर जा रहा हूं बादलों के बीच में से। आपने यूपीएससी के एग्जाम को मुश्किल सुना होगा, सीए की एग्जाम को मुश्किल सुना होगा, मगर मैं आपको बता दूं स्काई डाइविंग एक ऐसी ट्रेनिंग है जिसमें अगर आपने कोई दूसरी एग्जाम में फेल हुए, गलती करी तो वापस मौका मिलेगा। स्काई डाइविंग में एक गलती करी तो वापस गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये जो आप देख रहे, 2013 में पहली बार मैंने स्काई डाइविंग का ट्रेनिंग लेना शुरू किया था, इससे 10 साल पहले। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन अभी तक 280 से ज्यादा बार मैं स्काई डाइविंग कर चुका हूं। अपने साथ 300 से ज्यादा अपने पार्टिसिपेंट को लेकर गया स्काई डाइविंग कराने के लिए, जो या तो डिप्रेशन में थे या जिनको हाइट का फोबिया था। और स्काई डाइविंग के बाद जब वो वन पीस में जिंदा लौटे, उसके बाद किसी को डिप्रेशन वापस नहीं आया। बहुत सिंपल है दोस्तों, हमारे माइंड में एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अगर मैं ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, बात खत्म। इट्स एज सिंपल एज दैट। और दोस्तों जब आप इस चीज को समझ पा रहे हैं तो मैं कहना यह चाह रहा हूं कि भाई जिस चीज का डर लगे सामना करो, उसके ऊपर उठना शुरू करो। एक सवाल पूछता हूं, अगर आज मैं स्काई डाइव करने जाऊंगा तो क्या मुझे डर नहीं लगता है? लगेगा। जवाब है लगता है। डर आज भी लगता है, क्योंकि जिस दिन इसका डर लगना बंद हो जाएगा इसका मजा भी खत्म हो जाएगा। फर्क है, कोई नया इंसान जाए उसे 100% फियर होगा, मुझे 5% फियर होगा, मगर वो फियर है। लेकिन दोस्तों डर को साथ रखते हुए जब आप वो करते हैं जो करना जरूरी है, तभी आप वहां पर पहुंचते जहां पर पहुंचना चाहते हैं। और इसलिए मैंने दोस्तों और भी बड़े गोल सेट करना शुरू किया। मैंने रियलाइज किया कि यार क्या फर्क पड़ेगा, नहीं होगा ना। अगर चांद पर जाने का गोल सेट करोगे, नहीं भी अचीव किया तो जमीन से तो ऊपर उठोगे। तो मैं ना 14-15 साल की उम्र पे इनको पढ़ते रहता था। कितने लोगों ने ब्रायन ट्रेसी का नाम सुना हुआ है या उनकी किताबें पढ़ी हुई है? मैंने इनको अपने गोल चार्ट में डाल दिया और नतीजा ये आया कि उनके घर तक भी गया और उनके साथ अपनी किताब भी लॉन्च करी और बेस्ट सेलर भी बना उनके साथ। कितने लोगों ने रॉबिन शर्मा का नाम सुना है, 5 AM क्लब? दोस्तों आज रॉबिन शर्मा टॉप मोस्ट दुनिया की कंपनीज को कोच करते हैं और उनके साथ मैंने स्टेज भी शेयर किया और उनके साथ डिनर लिया, दोस्त भी बने। जैक कैनफील्ड, जिनको आपने द सीक्रेट में कभी देखा होगा दोस्तों, यू नो, उनके साथ ऑनलाइन सेशंस भी लिए। या डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जो 90 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं, एंड उनको हम इंडिया लेकर आए 6,500 लोगों के लिए। स्टेडियम में हमने इवेंट किया एंड ही केम टू इंडिया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फॉर सच अ ह्यूज सेशन। या फिर कितने लोगों ने रिच डैड पुअर डैड का नाम सुना हुआ है, किताब पढ़ी है, सुनी है, लोगों को गिफ्ट करी है। आई बिलीव एवरीवन, इफ यू आर कनेक्टेड विद डायरेक्ट सेलिंग, आई एम श्योर कि ये आपको पता ही होगा। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब रॉबर्ट कियोसाकी के साथ, जो पूरी दुनिया के नंबर वन फाइनेंस कोच है, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स के साथ किताबें लिख चुके हैं, 1-to-1 पॉडकास्ट का मौका मिला, उनको हम इंडिया लेकर आए और हमने 5,000 लोगों का 4 महीने पहले मुंबई में इवेंट प्रोड्यूस किया था। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कितने लोगों ने इनका नाम सुना है, टोनी रॉबिन्स। फ्रेंड्स, टोनी रॉबिन्स वॉज द वन जिसने मेरे अंदर इस स्पार्क को इग्नाइट किया था। कभी सिर्फ उनके वीडियो देखे थे, सिर्फ कभी किताबें पढ़ी थी और डिसाइड किया था कि इंडिया का टोनी रॉबिन्स बनना है। अब पता नहीं था कैसे होगा, लेकिन आज टोनी रॉबिन्स जो 50 साल स्टेज पर गुजार चुके हैं दोस्तों, जो 111 खुद की कंपनियां हैं, 7 बिलियन से ज्यादा का जिनका पर्सनल रेवेन्यू है हर साल, $7 बिलियन, जो इतने बड़े बड़े लोगों को कोच कर चुके हैं, विच इंक्लूड्स 4 अमेरिकन प्रेसिडेंट्स। मुझे एक ही चीज की समझ है दोस्तों, जिस इंसान ने अपने अंदर आग लगाई, जिस तक कैसे पहुंचना समझ नहीं था, अगर 50,000 लोगों ने अटेंड करते हो, और अगर आपको मौका मिले कि आप उनके साथ रह सके, बात कर सके, और कोलाबरेशन में आज हम लोग दोस्तों 4,000 बच्चों को मिलकर के स्कॉलरशिप दे रहे हैं, इंडिया में डॉक्टर्स बना रहे, इंजीनियर्स बना रहे हैं, तो मुझे एक चीज की समझ है, आप जितना भी बड़ा सोच सकते हैं सोचिए, जितना भी बड़ा सोच सकते हैं सोचिए,
हर सेकंड दोस्तों तथास्तु हो रहा है। अगर आप काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार है तो सब कुछ संभव है आपकी जिंदगी में। फ्रेंड्स, यहां पर एक छोटा सा गिफ्ट मैं देना चाहता हूं। मैं ऑलरेडी सेशन में आया हूं, मुझे 30 मिनट का वक्त मिला है, मगर अब एज यूजुअल ये टाइम हमेशा जितने भी स्पीकर से उनके लिए कम पड़ जाता है, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे 3 घंटे नहीं मिले तो क्यों नहीं मैं आपको 3 घंटे का एक गिफ्ट दे दूं। चाहिए कोई गिफ्ट? एक 3 घंटे का फ्री सेशन अपनी ओर से दे रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोस्तों, मैनिफेस्टेशन के कुछ ऐसे सीक्रेट्स, जिसमें 7 स्टेप्स मैंने बताई है कि कैसे आप अपने कोई भी गोल्स को हकीकत में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये गिफ्ट पाने के लिए, जो आज मैं सबके लिए फ्री देना चाह रहा हूं, इस छोटी सी लिंक या QR कोड पर जाकर के आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और ये 3 घंटे का टोटल कोर्स आपको ऑनलाइन लाइव अटेंड करने को मिलेगा। बड़े कमाल का कोर्स है। अगर 7 दिन भी आपने इस सिस्टम को फॉलो कर लिया, आप अपनी जिंदगी में मैनिफेस्टेशन का कमाल देखिए जस्ट इन 7 डेज, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। इसका फोटो ले लीजिए, इसको अभी क्लिक कर लीजिए, जस्ट टेक अ पिक्चर, और बाद में आप रजिस्टर करवा सकते हैं कोर्स के लिए। यहीं से, इसी लिंक से आपको ये फ्री मिलने वाला है, इसी लिंक से आपको ये फ्री मिलेगा। ऑलराइट दोस्तों, चलिए थर्ड स्टेप पर आगे बढ़ते हैं। और थर्ड स्टेप बहुत ही सिंपल है, एक्शन। बड़े सपने तो सेट कर लिए, मगर दोस्तों देयर आर 2 डिफरेंट गोल्स। एक होता है एंड गोल, दूसरा होता है प्रोसेस गोल। पहला क्या है? एंड गोल। दूसरा क्या है? प्रोसेस गोल। यहां पर पहला क्या है, दूसरा क्या है? अब दोस्तों, एंड गोल और प्रोसेस गोल जो है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपका अगर एंड गोल है कि मुझे 1 साल में 10 करोड़ कमाने हैं, तो आपका प्रोसेस गोल होना चाहिए कि एवरी डे मुझे उसके लिए क्या करने की जरूरत है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बहुत सिंपल है। उसेन बोल्ट एक ऐसे इंसान जो 118 सेकंड दौड़े ओलंपिक्स में, और उन्होंने $119 मिलियन कमाए। जब किसी ने पूछा कि 2 मिनट दौड़ने के लिए राउंड फिगर $120 मिलियन आपने कमाए, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है, तब उन्होंने कहा कि ये किस्मत बनाने के लिए और वो 2 मिनट परफॉर्म करने के लिए मैंने आगे 20 साल मेहनत करी है। दोस्तों, ये होता है आपका प्रोसेस गोल। ईच एंड एवरी डे आप डिसाइड कर लो कि करना क्या चाहते हो। इसको मैं डोमिनो इफेक्ट कहता हूं। इसको यहां पर देखो, समझो। जब यहां पर 1-2 इंच का ब्लॉक रखा जाए, अगर उसको गिराया जाएगा तो वो 2 इंच वाला 4 इंच के ब्लॉक को गिरा देगा, 4 इंच वाला 8 इंच को गिरा देगा, 8 इंच वाला 16। और ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप 23rd तक पहुंचेंगे इसी तरह से, तो उसकी ऊंचाई एफिल टावर जितनी होगी, और अगर आप 57th तक पहुंचेंगे तो उसकी ऊंचाई इस धरती से चांद तक की होने वाली है। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक छोटा सा एक्शन जो आप आज ले रहे हैं और हर दिन ले रहे हैं, उसका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपकी सक्सेस के ऊपर आता है। और इसलिए सपोज कि आपका गोल है कि मुझे 2 लाख लोगों की टीम बनानी है, तो करना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, और वो ये है कि अगर 2 लाख लोगों की टीम का सपना है कोई एक दिन पर बनाने का, तो उसे अब सब गोल में डिवाइड कर लो कि 5 साल तक मुझे 50,000 की टीम बनानी है, 1 साल में 2,000 की टीम, महीने में 100 लोगों की टीम, वीकली मुझे 20 लोगों की टीम बनानी है, डेली के लिए 2 लोगों का मेरा टारगेट है। और अगर मुझे वहां तक पहुंचना है तो अभी के लिए एटलीस्ट 1 इंसान को क्लोज करके मेरी टीम में लेकर आना है। जब अभी मैं 1 करूंगा तो दिन के 2 तक पहुंच पाऊंगा, उसी तरीके से हफ्ते के 20 तक पहुंच पाऊंगा, और उसी तरह से महीने के 100 तक पहुंच पाऊंगा, और अपने आप को एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। हमारी दिक्कत यह है कि जब हम दिल्ली से मुंबई जाने के लिए निकलते हैं तो हम उसी में परेशान हो जाते हैं कि मुंबई दिख नहीं रहा, इतना दूर कैसे जाएंगे। बट दोस्तों, पहला गोल इतना ही है कि दिल्ली से बाहर निकल करके हाईवे तक जाए, हाईवे के बाद का अगले शहर का गोल है। इस तरह से आगे बढ़ा जाता है। दैट्स हाउ यू डिवाइड योर गोल। दिस इज कॉल्ड डोमिनो इफेक्ट। इसे सब गोल्स बनाना कहते हैं। अपने बाजू वाले को हाई फाइव देके कह दीजिए, सब गोल्स बनाइए, छोटे गोल्स भी बनाइए। नाउ कम्स द फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप है दोस्तों, एंड दैट इज डेवलपिंग अ टीम। अब दिल्ली से लिंक के अंदर सारा कमाल टीम डेवलपमेंट का है। अब जब आप ये जानते हैं, तो मैं आपको आज टीम डेवलपमेंट का एक ऐसा गुरु मंत्र देना चाहता हूं कि अगर ये गुरु मंत्र आपने अपना लिया, मैं आपको बता दूं दोस्तों, इससे बढ़कर के आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। कितने लोगों को कभी कभार अपनी टीम के अंदर दिक्कतें आती है, वो लोग फोन नहीं उठाते, काम नहीं करते, खो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? तो इसका एक ही सोल्यूशन है जो मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, और वो सोल्यूशन है, घर में
घर में जब माँ खाना बनाती है दोस्तों, तो पहले वो खुद खाती है? नहीं, पहले वो अपने बच्चों को खिलाती है, पति को खिलाती है, और जो लास्ट में बचता है खुद खाती है। एक रोटी बची तो खा लेगी, आधी रोटी बची तो खा लेगी, रोटी नहीं बची तो सब्जी से काम चला लेगी। एग्जैक्टली वैसे अगर आप अपने आप को एक लीडर मानते हैं, तो लीडर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि पहले मुझे मेरे जो बच्चे, मेरी जो टीम है, उन्हें खिलाना है, उनकी सफलता पे ध्यान देना है। अगर वो लोग पैसा बनाएंगे तो मेरा पैसा बनेगा, अगर उनके घर में मारुति आएगी तो मेरे घर तो मर्सिडीज आने ही वाली है। ये सिंपल सा फंडा है जो लोग कभी कभार भूल जाते हैं, इसलिए मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाने वाला हूं। इस वीडियो की भाषा ना भी समझ आए, लेकिन मीनिंग समझने के लिए भाषा समझना जरूरी नहीं है। ध्यान से देखिए। Next event is 100 meters running race for physically challenged children. Give them a big hand.